राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब। आप सबका अपने चैनल लाइफ ऑफ रितु में आप सभी का स्वागत है। तो जी अभी इस टाइम पे कितने बज रहे हैं बेबे? जो नू बोले 7:15, नू बोल 7:15, कितने बज रहे हैं इस टाइम पे? बज रहे हैं 7:15। तो बस ही मैं उठी थी, नहाई तो कोनी हूँ, नहाऊँ तो कपड़े बदलूंगी, नहाऊंगी उस टाइम पर। बस इधर तो थोड़ा लाली पाउडर सा लगा लिया है, यानी कि मुंह मुंह धोया है यू तो, और थोड़ी सी लगा ली लिपस्टिक, क्योंकि बिल्कुल फिक्का मुंह लागा है। अगर बस इधी सादी सिंपल बनाऊँ ना वीडियो तो जमा नूह लागा है, जमा डल मुँह। और बस उठ कर ने चाय पानी पी है और डायरी में दूध दे आए हैं कि भाई मारी भी लोन क्या संगना है। मतलब आ सकते है, लेकिन मेरे पर नो कौन के वो जम भी जाओगा कि नहीं भी जम जाओगा, फिर नो है फालतू सा काम, एक्स्ट्रा काम क्या ना वो दावे घटाए दे इस ताचा। तो डायरी में दूध दिया यहाँ अभी इस टाइम पे। और आज मैं आप सभी ने इस व्लॉग में जो मेरा माइक का मॉर्निंग रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ, और शायद आज शाम ने भी एक वो व्लॉग डल जावे, यानी कि करीब 4-5 बजे के आसपास शायद मैं डाल भी दूँ व्लॉग एक और। और आज देखो भी इवलक तो चाय चाय बनाई होगी, दूध दे के आए होंगे नहीं? हाँ, और अभी चलेंगे डांगराड़ा में, क्योंकि पहला काम है डांगरा ना मारन का, तो डांगर तो बाहर बांध आए होंगे, आजा करांगे। तो अभी ये देखो बेबे ने सारा सहमर दिया, सीत दिया, गोबर का थोड़ा मगैल दिया, ये मैं चढ़ूँ छत पे, फिर वो छत पर पथना है तो छत पर जाऊँ मैं इबर। फिलहाल तो सुबह तू गणाया गोबर है नहीं, रात में तो एक एक चौथा बस ही, तो इतने इतने चौथे चौथ कर रखे तो सामर दिया है वो भी। तो चल फिर चल ऊपर चढ़ जाना, इस छत पर जाना है मैंने, इस पर चल आड़त है आड़ ऊपर चढ़ूंगी। हाँ मारा ही मैंने आड़े को कह पता ही नीटा भगो, मैं नीचे तो थोड़ा ऊपर पाऊंगा, इनके अंडे में नहीं पाया करते। बाज ली है ऊपर, बात क्या हुई? और चढ़ गया छत पे, छत भी देखो सारी भरी है, किमें पड़िया है, कदे किमें पड़िया है, सारे कमरे नुके नु भरे पड़े हैं। और यहाँ अड़े है बेड की तरिया सजा रखे, अड़े गुड़ है, शक्कर है, तो हमारे घर की खुद की निकाली हुई है, तो सभी की मैं हमारे खुदे का लकड़ा पाऊंगा, मसाले भी हमारे खुदे के बनाए पाऊंगे, दिखाऊंगे मैं आप सभी ने। ये आ गया छत पे मामे, और अड़े का नजारा देख लो हमारा, और वो यक्षित और गाल दिखावा, बाकी तारे तार पाऊंगे आड़े, क्योंकि आड़े बिजली का खंभा है, या हमारी गाल दूर तक, ये हमारे पड़ोसियों का घर। अरे मामी उरा करना आए हाँ, गोबर पत्थर आए हाँ, गोबर गेड़ लिया है, मम्मी की टेक्निक देख लो, कट्टिया का ऊपर गोबर थैप रखा है, गुस्से पैथ रखी है, है नहीं? ये गुस्से पैथ रखे, क्योंकि है ना अगर इनको इसको ऊपर गोबर पाथांगे नहीं तो चिप जाऊंगे गुस्से, तो सारे के सारे उन्हें फूट जाएंगे, तो जाते ही ब्याह कट्टा उधेड़न लग रही है, और उड़ाई पाथांगे भी मन्ने पाथने पड़ेंगे। और वो मेरे ताऊ का घर है, दिखाऊं आपने, ए यो वाला यो मेरे ताऊ का घर है, और यो बाबा नागा का मंदिर है। और ये देखो सुबह सुबह का मौसम कितना मस्त हो रहा है, सूरज लकड़न लाग रहा है, ऊ कौन लाग दे कैमरा में अच्छा लाग गया है, ऊ तो जवानू चौंद लाग लखाया भी ना जानता। तो ये पात दूंगी मैं गोसे और पाथने आवे हैं, क्योंकि करे उड़ है पहले सारा काम नू है, बस करके ने छोड़ रखे ससुराल में, तो ना मैस ना डांगर ना डोरोड़ तो कुछ भी को नहीं करना पड़ता, यहाँ पर तो पहले भी मैंने पाथे उड़े हैं, बस नू करके ने सारे काम छोड़ रखे हैं सीख कर ने। 1.5 साल में आज कुछ भी नहीं करना गोबर पथाने खातर, नहीं तो पाथे निकला पूरा 1.5 साल हो गया था, और ये चुटरू मुटरू मारे डट रहे हैं।
रितु आप ये बताओ आपको गोबर पात कर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छी महक आ रही है इसके अंदर से। थेपड़ी को फाता नहीं तरह डालो गोसे पाथड़े हैं। और एक दिन होकर मेरी बेबे ने तो घी भी कटना है रही मत है यो काम मन को नहीं आता बेबी बिलोनी मत है कटया करेगी हां रही तो ऊपर ली है रही तो बिलोया करे कटोनी मत घी काटन लग रही है बाकी मन को नहीं आता बेबे कटना यो सीखना पड़ेगा तू तो सारे काम में फारी को रही है फिर तो सही होना चाहिए और सारे काम कर रहे हैं मम्मी अजद भी तू पूंज है मम्मी अच्छा देख लो भाई मेरी बेबे ने जमा गणी कमाओ है कमेंट आ रहे थे आपकी सिस्टर तो बहुत काम करती है क्या कहना चाहोगे करना पड़ता है इसको भाई काम मम्मी तो ज्यादातर बीमार ही रहो है कदे की में हो गया फिर पाछे तो संजुए रहेगी भी और कौन रह गया सारा एक काम करा है मेरी बेबे और ना इसका नाम है नी तन्नु है इसका नाम तन्नु रेडू सारे संजू करे जा है बाकी इसका से नाम तन्नु है आड़े भी जमा खुड़का आया रहा है क्योंकि है ना हमारा थोड़ा मेन रोड हो गया और यो है अड्डा पजान का मेन रोड यानी कि जो परली साइड आले है ना इसे रोड से जाया करें यो सब तो मेन रोड है हमारा जड़ा हमारा घर है और इविया बेबे करण लाग रही है बिनोले धरण लाग रही है यहाँ इविया मैसा का भी कर रहा है सही है बेबे और यह इसने आरा बैल दिया है ये भी इसमें दर्द गया चाट और मैं कर लियो अपना काम गोबर में पा थी हूँ बस इब झाड़ू पोचा रोटी टुक्का सब्जी तो बनाए रखी रोटी रोटी बनानी है नी और बर्तन है जो ये मैं साफ कर दूं फिर मिलती हूँ आप सभी तय मैं इसलैंड का टाइम हो लिया है और अभी चारा डाल रही है ये संजू बैस जो खाती है वही अपनी तूड़ी वाला इतना ही डूंगा है कि एक नीचे भी है ये हमारा तूड़ी वाला है यो बेबे ने लगा दिया है पोचा लगा दिया है कि लगाने लग रही है ये तो और मन्ने निकाल दी थी झाड़ू आटा मैंने लगा कर दर दिया है मन्ने पोनी पड़ेंगी रोटी तो मखा मैं रोटी पो दूंगी तू पोचा मार दे तो मिल बांट कर हम काम कराया बाकी ब्याह तो पहले है जब मेरा ब्याह को नहीं आया था जब तो तू किमें भी काम को नहीं कराया करा थी घर का नहीं है नी उरली साइड का तो है जमा कुछ भी को नहीं कराया कर रही थी मेरे के जमा जिद्दी लगा लिया कर रही थी बेरा आप किमें भी काम को नहीं करा कर थी उरान का डांगरा का तो इस पर किमें भी करा लो माँ क्या कर दी तो गोबर वो तू लड़ाई बचा कर दी हमारी तो उरो का सारा मैं कर कराया कर दी हम कॉलेज में जाया कर दी नहीं जब भी मैं करके जाया कर दी तो देखी सारा काम करा मैं उरा रही हूँ ना तो भी अपने आप लग जाए मेरे तो कंधे भी कौन ला भी मैं करूंगी मैंने कहा कि मैं काम करने कौन दें दी मैं तो पहले तो आप ही लग जावे है नू कौन कहती है तू यो कर ले तू वो कर ले जमा भी कौन कहा कर दी नहीं तो माई रहती है कासना पैसी लड़ाई में अच्छा कर दी या तो आप दोनों ना मानने में आया कर दे मैं बिल्कुल भी कौन जाया करूँ थी क्योंकि मैं दोपहर के मान जा करूँ थी रात के इसका बांडा गए थे मैं रो पीट कर मान जा कर रही थी ये राम मैं दिन भी के दिन थे संजू तो तू मेरे पकी में काम करवा दिए को नहीं तो मेरी मौज हो रही है फिर तो ना बेरा है कि जब छोरी का ब्याह हो जाए वो अपने माइक का माओ तो उस पकी में काम करवाना नहीं चाहिए है नी यही बात है सच है बेबे संजू मैं भी के दिन थे मेरे लड़ा कर दे और गोलू की मेरी तो नहीं जब बात बात पर लड़ाई मारा पिट्टी हो जाए दिमारी तो अपनी कदे को नहीं हुई नहीं मारा पिट्टी तो तरक्की थोड़े लग गए थे याद है तेरा मारी को नहीं हुई गोलू की मेरी वो क्या कर नहीं बिचला तो बिचला ही रहा अगर बिचला के किसी की लड़ाई को नहीं आया कर दी छोटा और बड़ा भिड़िया कर आपस में तो मारी खूब धक्का पेली हुई उड़े
और फिर ऐसे भी जाया कर दे बता लड़ाई करके ने ये दिन थे है नहीं समझू। बाकी मैस रखने का भी बहुत फायदा हो जावे क्योंकि खुद का घी हो जाए खुद की लासी खुद का दूध तो सब की में दही तो कितने तक घी मिल लिया को नहीं पड़ता। और बस यहाँ पे जींद पुचान लग रहे हैं लासी जो जींद ताऊ मौसी रहा है ना उनके पास में तो भतीजे लेकर चला जाया करें। और रही बस संजु चढ़ गई है छत पे के बाथरूम पे चढ़ रही है तो टंकी में पानी देखने लग रही थी। तो जी अभी बच चुके हैं शाम के 4 और अभी इस टाइम पे मैं अपने नहा धो ली हूँ और ना सोचा कि वो पहन रही है लेकिन ये सूट है मैंने ना सूट भी सी लिया था और घाघरा भी सी लिया था तो ये मैंने पहन लिया है सूट ठीक है। और पता है एक कमेंट आ रहा था कि है ना आप फिल्टर बहुत ज़्यादा लगाते हो लोग तो वैसे अच्छा है लेकिन है ना मैं फिल्टर लगा दिए को नहीं मेरा कैमरा ही सैनू लग जा फिल्टर लगा रही हूँ है ना जब मैं मेरा ओरिजिनल कैमरा है इस पर मैं कुछ भी को नहीं कर रही नू घनी लाइट लगा रही हूँ फिर कोई और भी ब्यूटी प्लस कर रही हूँ ऐ है ये मेरा बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल कैमरा है। और ये हमारी दादी आ चुकी है ये देखो ये जाने लग रही है तो भाई दादी ने फ्रेश फ्रूश करवा दी है और अभी मैं और संजू चल रहे हैं बाहर मैं ताऊ और का जान लाग रही हूँ तो एक भतीजा वो टिकन नहीं दे रहा अगर जब देगा दे है बुआ मारा चाल तू कब थी आई को नहीं अब तक है दो बार ही आ लिया वो आड़े तो भाई बजा का ना वहाँ हाँ बस दिन में तो दोपहर में तो सो गए थे मामे देख लो तो मेरी बिल्कुल भी आँख कौन लग दी और आड़े तो जो मैं 2 मिनट में चत जाऊं पूरे 2 घंटे सोई 1 बजे सोई थी 3 बजे सी उठे वो बिठाई थी मैं तो और दादी धो रहे बिठा के जावांगी हम भाभी ने भाभी बैठी रहोगी इतने मामे आवांगे उड़ते और सूट भी लेके आने आने हैं वो मामा आंधे आंधे ले आवांगे तो दादी दिल्ली हो रही है एक दिन तो बतावा जम्मा नू बीमार हो गई थी नू लेटी लेटी का जमानू आँख जमानू होगी जमानू स्टैचू नहीं बन जा रहा इसी डर हो गई थी तो उन्होंने सांस अटक गया था फिर मसली जमानू बहुत देर संजू उस दिन क्या होया था संजू भी रुक के मारा हाय दादी मुंह में कि मैं लकड़ा तो है नहीं हाय दादी भाई दादी मम्मी रोटी खाती मम्मी रोटी खाती रहेगी उस दिन तो जमा ढीली हो गई थी एक दिन तो गोलू भी भाजो हाय दादी सारे आ गए तो उस दिन तो बहुत भयंकर मेरे तो बताया कौन है किसी ने भी नहीं तो आए जावा फिटन तो जब दादी ठीक हो ली ना हफ्ता पाछे बताई कि उस दिन बीमार हुई थी मंगाई तो ठीक हो गई फिर तो जब उस टाइम पर ठीक थी तो फिटन आए कौन थे मखान कुछ एक दिन ना मैं जाना तो है और ये बिल्कुल टनाटन है बिल्कुल ठीक है और ये बस चल रहा फिर गोबर भी थोड़ा ही हो रहा है तो गिर के तो आंदे को नहीं सवेरे छात पे पा देवांगे जो मैं 2-1 चौथ है चौथ 2-1 चौथ कर रखे हैं बस यो ही है बस यो वाला मैं कोई नहीं ना ऊपर पा देवांगे सवेरे चला ला भाई और क्या और फिर आंदे सूट ले आवांगे जो हुकम मेरे आका चलो। और यह हमारी गाल है भाई तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूट लेने खातर और काफी लेट हो गई क्योंकि अने मम्मी नु कह गई थी कि अने मेरा जानदे मम्मी 29 तारीख ने गई थी सुबेरे कहती थी मेरा जानदे सूट ले आइए और सांझ ने सिमाना दिया ये 2 तारीख तक है ना वो राम ते सिम जावेगा लेकिन फिर नू यह लेट सेट हो गए ना मैं 29 तारीख ने जान पाई ना मैं 30 तारीख ने 30 तारीख ने फिर बारिश आने लग गई सांझ ने लेके आए सूट और फिर हुए नहीं सिवाना दे के आए तो आज 31 तारीख देखो हम घर का काम करने लग रहे हैं सुबेरे का टाइम है मैं वॉइस ओवर करूँ तो ये बस सिवाना दे के आवांगे भी अगर सिमिया तो नहीं तो फिर नुए जाना पड़ेगा मैंने जोड़ा मैं गैल करना सूट और मम्मी तो बाकी छो मारी थी 2-3 बारी फोन आ ले क्यों नहीं लेके आई है सूट क्यों नहीं लेके आई है अब तक सूट तो वो कोई बात नहीं इब से माना दे आवांगे हम। और जितने भी सूटियाँ दरे हैं ना जो मैं देखने लग रही हूँ इन मत मैंने 2 सूट लिए हैं तो कमेंट करके ने बताइए ठीक है कि मैंने कौन से लिए पाऊंगे ठीक है देखेंगे आपका अंदाजा ठीक होगा कि नहीं। तो सूट लेके हम आ चुके हैं और सामने काटने की तैयारी मंडासा बांध लिया है सर पे जमा ये तो गुरुद्वारा में जाना सबसे लंदा कमेंट आ रहे थे कि ना पटाखा गुड़ लगा ले ला लिया था ढीला करके अच्छा लगा लिया था भाई इसने गुड़ भी गुड़ में पानी गिर के फिर भी कोनी होया
थोड़ी देर चला फिर उतर गया था। और यहाँ पे देखो कितना एंडी मौसम कर रहा है। और आज मैं बनाऊंगी के उसके आलू प्याज और बेसन के चिल्ले बनाऊंगी आज मैं तो पूड़े के आ करूँ बाकी। और मौसम दिखाऊँ आप सभी ने कितना गजब कर रखा है। बाटल तो जमानू ठाडा बरसन लाग रहा है। अम्मी जी बताओ थी कि आलू जमा रुकदा है को नहीं, इतना ठाडा बरसन लाग जहाँ पतराल चला रखी है। और आपका बताइयो कड़ाई कितनी कितनी बारिश हो रही है। यहाँ पर भी अड़वी आवे तो अड़वी आवे बिल्कुल ही। हाँ बस नू मच्छर नहीं गेड़ा कर रहे हैं, बिल्कुल नू आने लग रही है बारिश। साढ़ा दिखाती हूँ मैं आप सभी को बैक कैमरे पे। और ये देखो यहाँ का मौसम, ठंडी ठंडी हवा चलने लग रही है। और वो चादर बनाने क्या था टांगे रहे हमारे घर के, मेरे भी आज तक हिसाब किताब नहीं आया है। और ये देखो मच्छर गेड़न लग रहा है राम। और है ना ये बाग गर्मियों में ना मेंढक भी होने लग जाए, मरने मेंढक तो बहुत ज्यादा डर लग गया करे, बहुत घना डर लग गया करे। और ए राम सिंजू, ए सिंजू बेबे देखो दे आज फिर नहीं चल रहा। ए गुलू गुलू रे ठीक से के, ए गुलू देखो बिच लै दिया कंडा सा चल लगा कर नहीं चल पड़िया। तो जी अभी बस खाना पीना है वो खा पी लिया है। और या बेबी बैठी है के पीवे दूध, या गर्मी में भी गर्मा गर्म दूध पीवे। बाकी अनाज तो पूरा दिन ठंड रही है नी, बूंद आई है जमा सही करीब 7 बजे तक तो राम तो बूंद आई है। हॉट मिल्क हाँ मामे सूट भी सिलवाना होनी दे के आए पाए, क्योंकि मामे 6 बजे तो सूट लेके आए थे। तो फिर उनके नु डरे हैं आज जावांगे, देखो भी 2 तारीख तकसीम देगी कि नहीं, नहीं तो फिर नुए जाना पड़ेगा सूट ले करने, थोड़े सिलवा लेवांगे भाई है ना। और तो चलो जी फिर अब इस व्लॉग का कर दूं मैं आड़े एंड। मिलूंगी आप सभी तक कल एक प्यारे से नए व्लॉग के साथ में। अगर आप सभी ने मेरा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज भाई जान जान लाइक कर जियो, कमेंट कर जाइयो, शेयर कर जाइयो, चैनल ने सब्सक्राइब, हाँ जिनसे भी नहीं कर रहे हो चैनल ने सब्सक्राइब करके चले जाइए। ओके जी फिर मिलूंगी कल 12 बजे, बाय टाटा टेक केयर।